नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावनी और मैं आप सबका स्टडी आईक्यू में बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा विषय है वो है हाल ही में भारत को एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता हासिल हुई है, डिप्लोमेटिक विक्ट्री हुई है हमारे देश की, और ये जो विक्ट्री है ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से रिलेटेड है। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, देखेंगे कि आईसीजे जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये बेसिकली है क्या, किस तरीके से यहाँ पर इलेक्शन होते हैं, फिर हाल ही में जो इंडिया और यूके के बीच में एक कट थ्रोट कॉम्पिटिशन हुई एक जज की सीट के लिए, तो उसके ऊपर नज़र डालेंगे और देखेंगे कि ये वर्ल्ड के लिए ये क्या एक संकेत है और इसी के साथ साथ ये भारत के लिए क्या मायने रखता है। लेकिन फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको स्टडी आईक्यू के पेन ड्राइव एंड टेबलेट कोर्सेज के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, अलग अलग एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि एसएससी है, बैंक की एग्ज़ाम है, यूपीएससी है और दूसरी नेशनल लेवल की जो एग्ज़ाम्स है, ये सारी एग्ज़ाम्स के लिए, नेशनल और स्टेट लेवल की एग्ज़ाम्स के लिए स्टडी आईक्यू के पास अलग अलग पेन ड्राइव एंड टेबलेट कोर्सेज हैं आपको ऑफर करने के लिए। और इसके बारे में अगर फ्रेंड्स आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो जस्ट चेकआउट studyiq.com। जस्ट इन केस अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो फ्रेंड्स आप हमारे इस वेबसाइट के ऊपर चैट सपोर्ट अवेलेबल है, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर नंबर्स भी हैं, इन नंबर पर हमें आप कभी भी फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले शुरू करते हैं इसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग से, राइट। ये बेसिकली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, ये बेसिकली है क्या? फ्रेंड्स, ये एक यूनाइटेड नेशन जो है, राइट, उसकी एक प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है, यानी कि आप कह सकते हैं मोटे तौर पर और बेसिक चीज के बारे में बात करें, लेमेंस लैंग्वेज में अगर बात करें, तो ये यूनाइटेड नेशन की एक कोर्ट है, उसकी एक अदालत है। इसके साथ साथ इसे वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा, राइट। आईसीजे जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसे वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है और ये हेग में लोकेटेड है। हेग एक सिटी है नेदरलैंड्स का, जिसे हम हॉलैंड के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो मेन जॉब है, इसकी जो मेन ड्यूटी है आईसीजे की, वो ये है कि अगर किसी दो देशों के बीच में कोई इश्यूज चल रहे हैं, कोई तनाव चल रहे हैं, तो उनको सॉर्ट आउट करना। इसी के साथ साथ एक एडवाइजरी का रोल भी ये प्ले करता है। यूनाइटेड नेशन को अगर किसी चीज़ के बारे में, लीगल मैटर्स में एडवाइस चाहिए, तो वो आईसीजे के दरवाजे खटखटाता है। इसी के साथ, डियर फ्रेंड्स, और एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा और वो ये है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई केसेस चल रहे हैं, तो वो सारे केसेस जो हैं वो यहाँ पर डिसाइड नहीं किए जाते, राइट। ये दो देशों के बीच में चल रहे इश्यू से ही इसके ताल्लुकात हैं। और इसी के साथ साथ, डियर फ्रेंड्स, आईसीजे के बारे में, या फिर आईसीजे एक ऐसा कोर्ट है जिसके बारे में हमें आम तौर पर ज़्यादा जानने को नहीं मिलता है। भारत में इसके बारे में जो लास्ट टाइम ये लाइमलाइट में रहा ये आईसीजे, वो रहा कुलभूषण जाधव के केस को लेकर। हमने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो इलीगली हमारे एक नागरिक को वहाँ पर उन्होंने कैद कर रखा है, और फिर बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे जो हरीश सालवे साहब हैं, तो उन्होंने इंडिया का केस रखा आईसीजे के सामने और आईसीजे में भी हमारी यहाँ पर विक्ट्री हुई थी। तो ये एक रीसेंट, अगर पिछले कुछ सालों के ऊपर नज़र डालें, तो दिस वॉज द लास्ट टाइम आप कह सकते हैं, राइट, जब आईसीजे एक इंडिया के कंटेक्स्ट में न्यूज़ में था। और इसके पहले भी बहुत सारे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के केस हम आईसीजे में लड़ चुके हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एरियल इंसिडेंट हुआ था, इंडिया ने एक उसका प्लेन गिरा दिया था पाकिस्तान का, तो 1999 में वहाँ पर ये केस हुआ। इसी के साथ साथ 1973 में एक प्रिजनर्स ऑफ वॉर से रिलेटेड एक केस था, और इसी के साथ 1971 में भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो केस थे वो आईसीजे में चले थे। और इसके पहले पुर्तगाल के साथ बहुत सालों पहले 1955 में हम आईसीजे में गए थे। इसी के साथ, डियर फ्रेंड्स, ये जो हेग के बारे में मैंने बात की, तो ये रही उसकी बहुत ही खूबसूरत एक आप कह सकते हैं यूरोपियन आर्किटेक्चर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो दिस इज़ द बिल्डिंग, राइट, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बिल्डिंग है। और इसी के साथ, डियर फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन भी है मेरे पास आपके लिए। इस बिल्डिंग का एक स्पेसिफिक नाम भी है, राइट, इसको किस नाम से जाना जाता है, राइट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज, ये आपके लिए प्रश्न है। तो प्लीज़ अगर आपको पता है, नहीं भी पता है, देन इट इज़ अ टास्क फॉर यू, आप फाइंड आउट कीजिए और कमेंट सेक्शन में भेजिए। एंड आई वॉन्ट टू सी के सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन प्रोवाइड कर पाता है
इसी के साथ डियर फ्रेंड्स इसके कंपोजिशन के ऊपर नजर डालते हैं। कंपोजिशन का बेसिकली मतलब है कि किस तरीके से यहां पे चीजें काम करती है आईसीजे में। देखिए यहां पे बेसिकली जो पैनल है वो 15 जजेस की होती है, राइट। और ये जो 15 जजेस हैं वो 9 सालों के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, यानी कि एक जज जो है अगर 2000 में उनका सिलेक्ट इलेक्शन यहां पर हुआ है, राइट, तो फिर उसकी जो टर्म है उनकी टर्म 2009 में खत्म होगी। तो राइट, कीप दिस थिंग इन माइंड कि 9 सालों तक यहां पर जजेस को अपॉइंट किया जाता है। इसी के साथ साथ इसकी जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन के लिए जो बॉडी जो है, राइट, ये बॉडी है डिवाइडेड है यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली और इसी के साथ साथ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यहां पर दो ऐसे हाउसेस हैं जहां से आपको गुजरना होता है किसी भी कैंडिडेट को। और जितने भी अलग अलग इलेक्शंस होते हैं, देखिए फ्रेंड्स सिर्फ आईसीजे के जजेस का ही इलेक्शन नहीं होता है यूनाइटेड नेशन में, बहुत सारे दूसरी चीज़ों के लिए भी इलेक्शन यहां पर होता है। लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि ये बहुत ही एक अनोखी प्रोसीजर है आप कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर आप देखिए दोनों हाउसेस में से आपको वोट्स लेने पड़ते हैं, राइट, 97 वोट्स लेने पड़ते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में से और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में से आपको 8 वोट्स लेने पड़ते हैं, तभी आप आईसीजे के जज बन पाते हैं। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स एक नज़र डाल लेते हैं दोनों कैंडिडेट्स जो इंडिया और यूके के कैंडिडेट्स जो हैं, जिनके बीच में एक कट थ्रोट कॉम्पिटिशन चली। और मेरा मानना है कि आप सब अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो करंट अफेयर्स के साथ हम श्योर जुड़े हुए हैं और ये एक टॉपिक भी ऐसा है आईसीजे का जिसके बारे में काफ़ी चर्चा भी हुई है, राइट, थोड़े दिनों पहले ही। तो हम श्योर आपको पता है कि यूके और इंडिया के बीच में ये एक आप कह सकते हैं कॉम्पिटिशन चली थी। तो देखते हैं यूके के जो जस्टिस हैं, राइट, उनका नाम है सर क्रिस्टोफर ग्रीनवुड, राइट, वो ऑलरेडी 9 साल तक आईसीजे में काम कर चुके हैं। इसी के साथ साथ वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और कैपेबल लॉयर भी हैं और उनकी जो छवि है डियर फ्रेंड्स वो बेसिकली 2003 में, राइट, जब टोनी ब्लेयर की गवर्नमेंट थी, टोनी ब्लेयर बेसिकली यूके के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस टाइम पे टोनी ब्लेयर साहब ने ये तय किया यूएसए के साथ मिलकर कि इराक जो है सदाम हुसैन के ऊपर एक वॉर लॉन्च किया जाए या फिर इराक के ऊपर इन्वेजन किया जाए 2003 में। तो ये जो डिसीजन था, तो इस डिसीजन का पक्ष लिया था इस क्रिस्टोफर ग्रीनवुड साहब ने, राइट। और उस टाइम पे यूके के जो अटॉर्नी जनरल थे, वहाँ के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो वकील साहब हैं, तो उन्होंने भी ये कहा था कि ये जो फोर्सफुली आप जो सदाम हुसैन या फिर इराक के ऊपर जो चढ़ाई कर रहे हैं तो ये बराबर बात नहीं है। फिर भी ग्रीनवुड साहब ने उसको जस्टिफाइड माना और कहा कि यही चीज़ होनी चाहिए। तो ये वन ऑफ द रीज़न है जिसके हिसाब से उनकी जो छवि है उसके ऊपर थोड़ा दाग लगा है। इसी के साथ साथ आप देखिए कि जो पहला राउंड हुआ, राइट, तो उसमें उन्होंने 147 कंट्रीज़ के उनको वोट मिले या फिर 147 वोट्स मिले, लेकिन फिफ्थ राउंड तक पहुँचते उनके जो वोट हैं वो बहुत ही ड्रॉप हो गए, 176 तक वो पहुंच गए। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स हमारे जो इंडिया के जस्टिस दलवीर भंडारी साहब हैं, राइट, तो वो 1947 में उनका जन्म हुआ, वो उनकी जो फैमिली है उनके ग्रैंडफादर उनके फादर भी ये कोर्ट के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सेफली कह सकते हैं कि उनका जो बैकग्राउंड है वो एक लॉयर के फैमिली का बैकग्राउंड है। इसके साथ डियर फ्रेंड्स उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की है, जोधपुर यूनिवर्सिटी से उन्होंने ह्यूमैनिटीज़ और लॉ में अपनी पढ़ाई की, फिर वो फॉरेन भी गए, राइट, फॉरेन की अच्छी यूनिवर्सिटी में से उनकी आगे की जो पढ़ाई है वो ख़त्म हुई, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने वो, राइट, दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे और सुप्रीम कोर्ट के भी जज रहे और 2012 में पहली बार वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के इंडिया के द्वारा सेंड किए गए जज बने, राइट, ये पहले जज नहीं है भारत से, इससे पहले भी बहुत जज भारत से आईसीजे को रिप्रेजेंट इंडिया को आईसीजे में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। और एक बात ये भी मैं बताना चाहूँगा कि आईसीजे जो है इसकी जो छवि है या फिर आप कहें कि इसकी जो रेपुटेशन है वो काफ़ी अच्छी रेपुटेशन है वर्ल्ड लेवल के ऊपर। तो इसका मतलब ये नहीं है डियर फ्रेंड्स कि इंडिया के कोई जज
का सिलेक्शन इस आईसीजे में होता है तो फिर वो इंडिया के ही बारे में सोचेंगे, नॉट एट ऑल। जब भी ये जो कोई भी जज हैं किसी भी देश के क्यों ना हो, एक बार उनका वहाँ पर इलेक्शन हो गया, एक बार वो अपॉइंट हो गए, उसके बाद वो पूरी दुनिया के जज बन जाते हैं, राइट? आप समझ लीजिए, क्योंकि ये वर्ल्ड कोर्ट के जज हैं, तो ऑफ कोर्स इसके रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, इनके चार्टर हैं, तो इन सारी चीज़ों को उनको फॉलो करना पड़ता है। और ये बात मैं यहाँ पर ऐड भी करना चाहूँगा कि चाहे वो क्रिस्टोफर ग्रीनवुड साहब हो या फिर दलवीर भंडारी साहब या फिर दूसरे जो जजेस हैं, तो सारे के सारे जजेस जनरली स्पीकिंग उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, ये चीज़ आई एम नॉट श्योर अगर आप जानते हैं, लेकिन ये बहुत ही आप समझ लीजिए इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब जाधव साहब का केस चल रहा था, कुलभूषण जाधव साहब का केस, जो हरीश सालवे साहब भारत की तरफ से लड़ाई कर रहे थे, तो उस टाइम पे जस्टिस दलवीर भंडारी साहब ने एक अलग से, राइट, इसके ऊपर एक सेपरेट जजमेंट लिखा। और ये कोई इलीगल चीज़ नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि इंडिया का उन्होंने, इंडिया के हैं तो एक फेवर दिया, नॉट एट ऑल, राइट। ये आईसीजे के चार्टर में बिल्कुल दिया गया है कि आप सेपरेट जजमेंट भी दे सकते हैं, तो उन्होंने स्पेसिफिकली एक अलग से जजमेंट दिया। और ऑफकोर्स ये हमारे जो कुलभूषण जाधव साहब हैं तो उनके फेवर में था और पाकिस्तान के अगेंस्ट में। फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि अब आपको इन दोनों जो जजेस हैं इनके बारे, इनकी जो प्रोफाइल है, इसके ऊपर एक अच्छी क्लैरिटी आ गई है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो पूरी प्रोसेस है, राइट, ये कंपोजिशन से हमने बात शुरू की थी, देखा कि 97 वोट्स चाहिए यूएनजीए में और 8 वोट्स चाहिए आपको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो देखते हैं कि आगे चीज़ क्या हुई, राइट, कैसे इस सारी चीज़ों की शुरुआत हुई। देखिए फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 15 जजेस होते हैं, राइट, एक आईसीजे की पूरी जो बेंच है उसमें, या फिर उसकी जो स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ वो 15 जजेस की है। तो 15 जजेस या फिर ये जो 15 की जो क्वांटिटी है उसको मेंटेन करने के लिए, राइट, हर तीन सालों में 5 जजेस को अपॉइंट किया जाता है या फिर इलेक्ट किया जाता है, क्योंकि हर 3 साल में कोई ना कोई रिटायर होता है, तो ये जो जगह है वो खाली ना पड़ी रहे, तो इसको ध्यान में रखते हुए इस तरीके की प्रोसीजर है यहाँ पर, राइट। कीप दिस थिंग इन माइंड कि 5 जजेस को एवरी 3 सालों में यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है, और दिस इज़ बिकॉज टू इंश्योर कंटिन्यूटी। अब फ्रेंड्स, यूनिक चीज़ ये हुई इस टाइम पे कि 5, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 जगह है आपके पास, राइट, और लेबनन जो देश है, जो हाल में न्यूज़ में था, प्राइम मिनिस्टर हरीरी को लेकर वो चले गए थे सऊदी अरेबिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वापस आते हैं इस टॉपिक के ऊपर, वरना हम डाइवर्ट हो जाएंगे। तो लेबनन जो देश है उसके एक फॉर्मर एम्बेसडर हैं यूनाइटेड नेशन में, तो वो उन्होंने अचानक से आउट ऑफ द ब्लू जाकर उन्होंने अपना जो अपने लेबनन जो देश है उन्होंने इस 5 में से एक जगह को या फिर अपने जज को अपॉइंट करने के लिए एक दावा रखा। और आप समझ सकते हैं कि ये एक फॉर्मर एम्बेसडर है यूनाइटेड नेशन के, तो ये यूनाइटेड नेशन में बहुत सालों से काम किया है उन्होंने, तो लोग इनको अच्छी तरीके से जानते हैं, दूसरे देशों के भी जो एम्बेसडर है या फिर आप कह सकते हैं कि दूसरे देश के जो डिप्लोमेट्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, तो ये इनको अच्छी तरीके से पहचानते हैं। तो इस वजह से ये हुआ डियर फ्रेंड्स कि 5 में से जो 4 एक जगह जो है तो वो उन्होंने ऑक्यूपाई कर ली, राइट। ये बिल्कुल बीच में से आ गए और सडनली उन्होंने ये जो जगह है वो ऑक्यूपाई कर ली। अब रह गई आपके पास 4 सीटें, राइट, और जो 4 सीटें हैं तो उसमें भी 5 राउंड तक मुकाबला हुआ, और इस मुकाबले में दूसरे जो 3 जजेस हैं वो सिलेक्ट हो गए, एक ब्राज़ील से, दूसरे है फ्रांस से और तीसरे है सोमालिया से, और लेबनन के बारे में तो हमने बात की। तो बेसिकली 4 जो सीट थी, वैकेंट सीट, तो वो ऑक्यूपाई हो गई, और अब बच गई 1 सीट और रह गए 2 व्यक्ति, राइट, 2 कैंडिडेट या फिर 2 देश। तो फिर आगे चल के ये जो 5 राउंड हैं, 5 राउंड ख़त्म हो गए, इसके बाद फिर से अगले राउंड चले। यही होता है डियर फ्रेंड्स, जब तक ये सीट्स जो हैं या जो चेयर हैं वो फुलफिल ना हो जाए, फिल ना हो जाए, तब तक राउंड्स चलते रहते हैं। तो फिर ग्रीनवुड साहब और भंडारी साहब के बीच में वोटिंग हुआ और फाइनली ये देखने को मिला, 11th राउंड, राइट। तो 11th राउंड में उनको 68 वोट्स मिले और भंडारी साहब को 121 वोट्स मिले जनरल असेंबली में।
लेकिन जब हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें फ्रेंड्स, तो वहां पे ब्रिटिश जज को 9 वोट्स मिले और हमें 5 वोट मिले। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आपको दोनों जगह पर एक फिक्स फिगर कॉन्कर करना पड़ता है तभी आप यहां पर इलेक्ट हो पाते हैं, तो ये चीज़ हुई और एक डेडलॉक हो गया। तो डेडलॉक होते ही जो ब्रिटिश मिनिस्टर्स हैं और प्राइम मिनिस्टर या फिर उनके जो डिप्लोमेट्स हैं, तो उनके टेलीफोन फ़ोन कॉल्स शुरू हो गए। अलग अलग देशों के साथ उन्होंने बातचीत करना शुरू कर दिया, अपने जो कैंडिडेट हैं उनको पुश करने के लिए सारी प्रक्रिया शुरू की। यहाँ तक ये भी न्यूज़ में आया था कि एक कॉन्फ्रेंस मैकेनिज़्म जो है उसका भी ये ब्रिटेन उपयोग करने वाला था। कॉन्फ्रेंस मैकेनिज़्म में ये होता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से 3-3 मेंबर कंट्रीज लिए जाते हैं और फिर ये जो 6 कंट्रीज हैं वो किसी एक व्यक्ति का नाम फाइनल कर देंगे, तो वो व्यक्ति इस डेडलॉक की सिचुएशन में इलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन इंडिया ने इसे सरासर एक डर्टी ट्रिक का नाम दिया, राइट, और इंडिया की मीडिया में भी ये सारी चीज़ें बातें होने लगी। यहाँ तक कई अखबारों में ये भी बात आई कि जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम में जो कॉलोनियल टाइम था उस टाइम पे जो रॉबर्ट क्लाइव ने जो टेक्निक्स इस्तेमाल की थी, समथिंग सिमिलर इज़ बीन प्रैक्टिस्ड बाय यूके। और इसी के साथ साथ इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने भी अपना काम करना शुरू कर दिया, राइट, डिप्लोमेटिक चैनल्स को हमने एक्टिव कर दिया। हमारी गवर्नमेंट ने आर्म ट्विस्टिंग जो कहते हैं या फिर ट्विस्टिंग आर्म्स या लॉबिंग करना, ये सारी चीज़ें हमने शुरू कर दी, डियर फ्रेंड्स। और फिर ये हुआ कि यूके के साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी जिसके हिसाब से फाइनली ये देखने को मिला कि यूके ने ही अपना जो अपने जो ग्रीनवुड साहब है तो उनका जो नॉमिनेशन था वो कैंसिल कर दिया। और ये सारे रीजंस हैं डियर फ्रेंड्स, जो यूरोपियन यूनियन है, राइट, ईयू नेशंस ने भी यूके को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि हम जानते हैं कि एक बहुत बड़ा जो डिवोर्स आप कहें, राइट, वो चल रहा है अभी, और इससे ईयू के और यूरोपियन यूनियन के देशों में और ब्रिटेन के बीच में जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी बिगड़ चुके हैं। इसी के साथ साथ अगर आप यूके के पॉलिटिक्स के ऊपर नज़र डालें तो हाल ही में वहाँ की एक मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई एक मिनिस्टर हैं, तो उनका रेजिग्नेशन हुआ। इसी के पहले थोड़े दिनों पहले एक दूसरे मिनिस्टर साहब का भी रेजिग्नेशन हुआ, बोरिस जॉनसन, जो पहले लंदन के मेयर थे और आज जो ब्रिटिश फॉरेन एजेंसी है, फॉरेन ये जो डिप्लोमेसी है या फिर आप कहें कि फॉरेन अफेयर्स की जो का जो मंत्रालय है वो संभाल रहे हैं, तो उनकी भी छवि फिलहाल थोड़ी बिगड़ी हुई है, नॉट बिकॉज ऑफ दिस अदर केसेस, लेकिन जिस तरीके से कामकाज चल रहा है तो वो सारी चीज़ें इनके फेवर में नहीं रही। इसी के साथ साथ आप इस ये जो हार हुई है ब्रिटेन की उसको इंटरनेशनल ब्रिटिश की जो प्रेस्टीज थी, एक ऐसा समय था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट या फिर जो ये कंट्री है यूके इसकी सबसे ज़्यादा रेप्यूटेशन थी, लेकिन आज इस हार से हम सेफली कह सकते हैं कि उनकी जो छवि है वो काफ़ी बिगड़ चुकी है। इसी के साथ साथ ब्रिटेन ने ये भी देखा कि जब ब्रेक्सिट की प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी उसके बाद इंडिया एक ऐसा देश है जिसके साथ रिलेशनशिप बिगाड़ना, यानी कि एक बहुत बड़े ट्रेडिंग पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बिगाड़ना हो जाएगा। और कहीं ना कहीं इसीलिए उनके जो स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि भारत और ब्रिटेन के बीच में बहुत पुराने रिलेशंस हैं, अगर हम नहीं जीते तो क्या हुआ, हमारा जो एक दोस्त राष्ट्र है भारत तो वो जीत जाए तो बात सही ही है, ये सारे स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिले। इसी के साथ साथ ये भी बात हो रही थी कि जो कॉमनवेल्थ है, जो देश ब्रिटिश हुकूमत के तहत थे, तो अब उसका जो ग्रुप है उसे कॉमनवेल्थ ग्रुप कहा जाता है। कॉमनवेल्थ गेम्स और इसकी मीटिंग्स भी होती है, आई एम श्योर आपको इसके बारे में पता होगा, तो उसमें इंडिया भी उसका पार्ट है, तो इंडिया ने कहा कि हम कॉमनवेल्थ से भी निकल जाएंगे, ऐसी बात भी देखने को मिली थी, राइट, मीडिया में। ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया लेकिन बहुत सारे न्यूज़पेपर में ये चीज़ें बताई गई है, खास करके यूके के जो फेमस न्यूज़पेपर्स हैं, राइट, संडे टाइम्स हैं, ये बहुत ही दुनिया का रेप्यूटेड पेपर है, तो वहाँ पर भी ये बात हुई थी। और इसी के साथ साथ डियर फ्रेंड्स, जो दुनिया के दूसरे देश हैं, राइट, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो उनके अंदर एक आप कहें एक भड़ास बहुत लंबे टाइम से हैं कि किस तरीके से ये जो परमानेंट 5 मेंबर्स जो हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, तो वो हमने अलग अलग टाइम पे देखा है कि वो अपनी जो मनमानी है, जो अपना पावर है वो दिखाते रहते हैं, और इसी चीज़ का एक विक्टिम भी बना ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन भी यूके भी इस P5 का मेंबर है,
तो ये सारे मेन रीज़न है जिसके हिसाब से जो ग्रीनवुड साहब हैं उनको इतने ज़्यादा वोट नहीं मिला, या फिर ब्रिटेन की हार हुई। और इसी के साथ साथ ब्रिटेन की ये दूसरी हार है, थोड़े टाइम पहले ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मॉरिशियस जो एक देश है हमारे इंडियन ओशियन में, तो उसने जो यूनाइटेड किंगडम का फ़िलहाल जो चेगोस आइलैंड है इंडियन ओशियन में, तो उसकी टेरिटरी को लेकर एक केस किया था आईसीजे में, तो उसमें मॉरिशियस की जीत हुई है और ब्रिटेन की हार हुई है। इसके साथ डियर फ्रेंड्स, इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि वर्ल्ड लेवल के ऊपर अगर हम देखें, ग्लोबल लेवल के ऊपर, तो इंडिया की जो रेप्यूटेशन है, हमारी जो छवि है, वो उसमें काफ़ी ज़बरदस्त एक बदलाव आया है, हमें एक सिग्निफिकेंट राइज देखने को मिल रहा है। इसके साथ अगर पिछले थोड़े टाइम पहले जो एक डोकलाम विवाद हुआ था हमारे और चाइना के बीच में, ऑफकोर्स ये भूटान और चाइना के बीच में था, लेकिन भूटान और इंडिया के रिलेशन ऐसे हैं, एक ट्रीटी है हमारे दोनों के बीच में, तो इंडिया ने भूटान की साइड ली और फाइनली जो चाइना है उनको इसमें आप कह सकते हैं डिप्लोमेटिकली कहें या फिर आप हम कुछ भी इसको नाम दें, लेकिन चाइना को एक बैकअप बैक आउट होना पड़ा, राइट, उनको अपना एक स्टेप पीछे लेना पड़ा, तो ये भी इंडिया की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत मानी जाती है, राइट। ये भी साबित करता है कि इंडिया जो है जिस चीज़ में विश्वास रखता है उस चीज़ के लिए वो एक स्टैंड भी लेता है और लेता रहेगा भी, राइट, अपना जो ग्राउंड है वो होल्ड करके रखेगा इंडिया, तो दिस इज़ अगेन अ सॉर्ट ऑफ इंडिकेशन। इसी के साथ साथ जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जिसमें बहुत सारे देश, राइट, यहाँ तक कि यूरोप के बहुत बड़े बड़े देश भी इसमें शामिल हुए हैं, उसमें भी इंडिया ने भाग नहीं लिया है, और इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, लेकिन इसमें भी हमने अपना जो स्टैंड है वो बरकरार रखा है, हमारा जो व्यू है वो हमने पूरी दुनिया के सामने रखा है, तो यहाँ पर भी हमारी एक जीत मानी जाती है, भले ही ये आगे चलकर कितना ही सक्सेसफुल प्रोग्राम क्यों ना हो, फिलहाल तो ये एक बहुत ही बेबी स्टेज में है, लेकिन इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो हमारा स्टैंड हमने बरकरार रखा है। इसी के साथ साथ जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं और पॉलिटिशियंस जो हैं, डियर फ्रेंड्स, ये बात बहुत समझने लायक है कि उन्होंने पर्सनल एनर्जी इसमें इन्वेस्ट की है, जितने भी हमारे मिशंस हैं यानी कि हमारे डिप्लोमेटिक हाउसेस हैं, एम्बेसीज हैं, हाई कमीशंस की ऑफिस हैं, तो ये सारी जगहों पर हमारे डिप्लोमेट्स वहाँ पर काम कर रहे हैं ऑफिशियल। इसी के साथ साथ हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सीनियर मिनिस्टर, जूनियर मिनिस्टर, ये सारे लोग इसमें पर्सनल इंटरेस्ट दे रहे थे, पर्सनल एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे थे, और कहीं ना कहीं इसी कंटेक्स्ट में हम देख सकते हैं कि फिफ्थ राउंड के बाद हमारी जो वोटिंग है, भंडारी साहब को जो वोट्स मिले हैं उसमें एक राइज देखने को मिला है। इसी के साथ ये इंडिया ने क्लियर इंडिकेशन भी दे दिया है दुनिया को कि भारत के लिए एक जगह जो है वो बनानी पड़ेगी, राइट, दे हैव टू क्रिएट ए स्पेस फॉर अस। और इससे ये मैं भी यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा और वो ये है कि हो सकता है कि इस तरह की इस तरह की जो हमारी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है इससे आगे चलकर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भी हमें एंट्री मिल जाए। हम जानते हैं किस तरीके से चाइना उसमें बहुत लंबे टाइम से एक ब्लॉकेड करके बैठा हुआ है। और लास्ट में अगर हम देखें फ्रेंड्स के आईसीजे के लिए ये जो इंडिया की विक्ट्री है वो क्या मायने रखती है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वर्ल्ड के लिए ये क्या मायने रखती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप जानते हैं कि P5 कंट्री जो हैं वो हमेशा से अपना जो वीटो पावर है उसका इस्तेमाल करते आए हैं, राइट, ये चाहे आईसीजे में हो या फिर ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों ना हो। बहुत टाइम पर ये भी देखने को मिला है जो चीज़ें गलत है उसके लिए भी वीटो पावर का इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ साथ आज दुनिया की जो तस्वीर है वो बदल गई है, ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो या फिर आईसीजे हो या फिर यूनाइटेड नेशन क्यों ना हो, राइट, ये सारी चीज़ें पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू की प्रोडक्ट्स हैं। और आज हम 2017 में रह रहे हैं, हम जानते हैं कि इंडिया भी वो इंडिया नहीं रहा जब हम 1947 में थे। इसी के साथ साथ दुनिया के दूसरे देशों में भी काफ़ी ज़बरदस्त बदलाव हुआ है। अगर हम जर्मनी की ही बात करें, राइट, हम जानते हैं कि जर्मनी हिटलर का कंट्री था, राइट, हिटलर इसके तानाशाह थे और हिटलर के टाइम पे जर्मनी वर्ल्ड वॉर टू हार गया। इसी कंटेक्स्ट में इसीलिए आज भी जर्मनी जो है जो यूरोप का सबसे बड़ा देश है, यूरोप का सबसे टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड कंट्री है, यूरोप की सबसे GDP इसकी बड़ी है, डेमोग्राफिक भी इसकी सबसे बड़ी है, राइट, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी यूके जो है वो इसमें यूएनएससी में है
जर्मनी नहीं है। और यूके की अगर हम बात करें तो एक टाइम पे जैसे मैंने आपको बताया इसकी जो छवि थी, इसके जो पावर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन आज तस्वीर बदल गई है। ये भी चीज़ का इंडिकेशन है डियर फ्रेंड्स के जो पैसे वाले कंट्रीज़ हैं, रिच कंट्रीज़ हैं, उनकी और डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे कि भारत है, बहुत सारे अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज़ हैं, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, तो ये सारे देशों की जीत भी हम मान सकते हैं, क्योंकि ये जो बैलेंस ऑफ पावर जो हर बहुत लंबे टाइम से यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के पास था, अब वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के पास आ गया है। और यही होना चाहिए, राइट, जो सही पावर है वो ज़्यादा देशों के पास होना चाहिए, 193 कंट्रीज़ के पास होना चाहिए, ना कि 15, और 15 भी नहीं, आप छोड़िए 15 कंट्री, 5 कंट्रीज़ जो P5 है उनके पास ही बहुत ज़्यादा पावर है। तो ये चीज़ सरासर डेमोक्रेटिक नहीं है। और लास्ट में ये पॉइंट भी मैं कहना चाहूँगा कि इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी जो है उसकी ही एक विक्ट्री है। डियर फ्रेंड्स, आई होप के आज की जो हमने इस टॉपिक के ऊपर जो नज़र डाली है, जो चर्चा की है हमने, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, शेयर दिस लेक्चर, डू गिव अस ए लाइक अगर आपको चीज़ें जानने को मिली, कुछ चीज़ें समझने को मिली, और आपको लगा कि अगर आप थैंक यू भी कहना चाहते हैं इस वीडियो के कंटेक्स्ट में, देन गिव अस योर लाइक, आई विल टेक इट एज अ थैंक यू। इसी के साथ आपकी वैल्यूएबल कमेंट्स भी पास कीजिए, और जो क्वेश्चन मैंने पूछा है आपको तो उसके आंसर का भी मुझे इंतज़ार रहेगा। फ्रेंड्स, चेकआउट studyiq.com फॉर आवर पेन ड्राइव एंड टेबलेट कोर्सेस, एंजॉय योर स्टडीज। दिस इज प्रशांत मामनी साइनिंग ऑफ, जय हिंद।